तो इंडिया करे अड्डा 247 पे तैयारी अड्डा 247 इंडियाज नंबर वन गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप हेलो एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग गाइस सो वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में रोज ही हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं सुबह 8:00 बजे तो कल आपने बहुत मेहनत किया और मैंने देखा सबका मैसेज आप लोग को लग रहा होगा कि मैं मैसेजेस नहीं देख रही हूँ लेकिन आई हैव सीन ऑल द आंसर्स एंड वेरी वेल डन बट टुडे विल स्टडी थोड़ा आराम आराम से क्योंकि कल ऑलरेडी आपने एक बहुत अचानक से सरप्राइज टेस्ट बनाया बहुत सारा और अच्छा था परफॉर्मेंस तो जब भी वो टेस्ट इसलिए था ताकि मैं आपको याद दिला दूँ कि जब भी आप बोलते हैं कि मैम छह महीने का करंट अफेयर्स कैसे होगा कैसे होगा तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे होगा जी तो छः महीने का करंट अफेयर्स जो है वो हम लोग इसी तरह आराम आराम से पढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपका पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी का स्वागत है डवेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जहां पे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और आज का थाट है आज कुछ थाट्स से शुरू करते हैं कहानी आज मैं आप लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं दूँगी अचानक से सरप्राइज टेस्ट आज नहीं लूँगी ठीक है तो आप लोग आराम आराम से पढ़ेंगे चीज़ों को और थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ भी करेंगे तो आज का जो थॉट है वो ये है द हार्डर यू वर्क द बेटर यू गेट तो ये इस ये पूरा परम सत्य है ठीक है सुबह सुबह मैं आपको परम सत्य बता रही हूँ ये सबसे ज़्यादा सही बात है और बहुत लोग हमारे साथ लाइव आ चुके हैं क्योंकि जितना आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा इसके ऊपर और कोई सत्य नहीं है तो आप लोग इस परिश्रम के लिए हमारे साथ जुड़े ताकि हम आपको टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन दें जॉब अलर्ट दें डेली क्विजेस दें और आपको सब्जेक्ट वाइज बार बार बोलते हैं मैम मेरे को हिस्ट्री का बस क्वेश्चन बताओ कि वो कहाँ से बनेगा पॉलिटी का बताइए और इकोनॉमिक्स का बताइए तो मैं आपको फ्री में बता रही हूँ फ्री में ठीक है आप अगर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको फ्री में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेगा रोज आपको पंद्रह टेस्ट आप बना सकते हैं बहुत सारे वहां पर टेस्ट होते हैं आप उस पर जाइए गो टेस्ट गो टू द टेस्ट पे क्लिक कीजिए और बस बनाना शुरू कर दीजिए हर सेट में पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन है मान लीजिए आपने हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी के पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन बना लिए तो जी तो रिवाइज हो ही गया फिर आपको वहां पर मैगजीन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा पावर कैप्सूल मिलेगा और नोट एंड आर्टिकल भी मिलेगा और वीडियो क्लासेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और मेरे साथ रोज करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए यहाँ पर आ जाइए सुबह 8 बजे ओके okay. जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं देखिए डिफेंस एस्पिरेंट ही नहीं सिर्फ जो भी बच्चे टेल्थ पास कर चुके हैं तो वो सी आई एस एफ बी एस एफ असम राइफ़ल टेरिटोरियल आर्मी ये बार बार मैं ये इसलिए बताती हूँ क्योंकि आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं बहुत सारे तो यहाँ पर अगर आपने टेंथ में ट्वेल्थ uh, में फिजिक्स और मैथ से ट्वेल्थ किया है तो आप यहाँ पर इस कोर्सेज में भी इन मतलब इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं ठीक तो है तो टेरिटोरियल आर्मी है असम राइफ़ल है बी है सी है और अगर आपको इस पैक में जाना है तो डिफेंस की भी तैयारी करनी पड़ेगी साथ साथ वन ट्रिपल नाइन में आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे कोड तो आपको पता ही है यहां पे सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट मिलेगा लेकिन अगर आप यूज करते हैं वाई तीन सौ बत्तीस तो आपको सेवेंटी एट परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा अब ये क्या हो रहा है ठीक है लाइट लो है क्या लाइट लो है यहां आज का लाइट लो है मेरे फेस पे ग्लो नहीं है ठीक है तो आप पहले ये बताइए देखिए ये क्या है ये रॉकेट है अब इसका नाम है वी एल और vl का क्या मतलब होता है vl का मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च ठीक है ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है तो v और l वर्टिकली ऊपर जा रहा है तो वर्टिकल लॉन्च है sr एस sr आर, एस आर का मतलब होता है जैसे कि sr का मतलब हुआ शॉर्ट रेंज छोटे रेंज का ज्यादा ऊपर वो ऐसे नहीं दूर चला जाएगा छोटे रेंज का धरती से ये हुआ है तो क्या बोलेंगे सरफेस टू एयर और है क्या मिसाइल अब समझ में आया अब समझ में आया तो अब मैंने इसको वी एल एस आर एस एम क्यू लिखा है तो V का मतलब हुआ वर्टिकल वर्टिकल, वर्टिकल L का मतलब हुआ लॉन्च आपने क्या किया है इसको लॉन्च किया है और S का मतलब क्या हुआ शॉर्ट छोटे रेंज के लिए लॉन्च किया है शॉर्ट रेंज और यहां पे क्या हुआ सरफेस यानी कि सरफेस से जाएगा सरफेस टू एयर टू एयर मिसाइल ठीक है तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा वी एल एस आर एस एम कोई भी बोलेगा आप कॉन्फिडेंटली बता देंगे तो भारत ने इसको लॉन्च किया है सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है कहां पे चांदीपुर में अब क्योंकि आप, आप मुझसे कुछ दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि चांदीपुर कहां पे है तो आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो गाइज कि चांदीपुर कहां पे है है ना चले ब्राइटनेस कम है ब्राइटनेस बढ़ा दू ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थीक है. आ, डिस्प्ले का ब्राइटनेस कम है मैं उसको बोलती हूँ बढ़ाने के लिए ठीक है कंप्यूटर जी अभी आ जाएंगे और ब्राइटनेस बढ़ा देंगे अडानी टू एक्वायर एन तो अडानी ने ये एनडीटीवी आप जानते हैं कि न्यूज चैनल है इसको एक्वायर करने की बात की है और प्रणव रॉय जो है ये हो सकता है कि प्रणव रॉय अपना ओनरशिप यहाँ पे लूज कर जाएंगे 24 अगस्त यानी कि कल दुनिया भर में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया उड़ीसा सब को ही बता रहे उड़ीसा एक्सिलेंट ठीक है तो दुनिया भर में गुजराती लैंग्वेज डे मनाया जाता है ये 24 अगस्त को सेलिब्रेट होता है और आप जानते हैं कि इस दिन आ, बर्थ एनिवर्सरी होता है वीर नर्माद वीर नर्माद और इन्हीं के दिन हम लोग गुजराती दिवस मनाते हैं ठीक है ठीके? तो ये द पोएट ये पोएट थे नर्माद जी और इन्होंने ही क्रिएट किया था गुजराती भाषा तो वीर नर्माद जी ने गुजराती भाषा क्रिएट किया और इनके ही जन्मदिवस पे हम गुजराती दिवस मनाते हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ का सरकार कह रहे हैं कि 300 सौ रूलर इंडस्ट्री यानी कि गांव में क्यों नहीं होना चाहिए रूलर इंडस्ट्री है ना तो रूलर रूलर यानी कि गांव और इंडस्ट्री यानी कि उद्योग तो गांव में भी हम उद्योग बनाएंगे ताकि गांव को लोगों गांव के लोगों को काम करने के लिए बाहर ना जाना पड़े वो अपने ही देश में काम करें तो ये कौन कह रहा है ये छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है ठीक है फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 2600 बेड अमृत हॉस्पिटल 2600 बेड अमृत हॉस्पिटल ये बना है कहाँ फरीदाबाद हरियाणा में तो मोदी जी ने 2600 अमृत हॉस्पिटल बेड इसको इनाग्रेट किया है कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं हरियाणा के यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी हैं मनोहर लाल खट्टर जी और इन्होंने इन्होंने इसको लॉन्च किया है जी तो नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड इंडिया फर्स्ट एजुकेशनल टाउनशिप तो यूपी गवर्नमेंट क्या कह रहा है कि भारत का पहला एजुकेशन टाउनशिप बनाने की बात की जा रही है ओके okay. ठीक है नेक्स्ट अब आप बताएंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर एक सेकेंड गाइस कंप्यूटर जी ये थोड़ा ना ऐसे Okay. जी um, एक सेकेंड कंप्यूटर जी आ गए हैं और uh, ब्राइटनेस भी आप थोड़ा सा चेक कर लेंगे बच्चे कह रहे हैं कि ब्राइटनेस कम आ है ओके okay. तो आप सही हैं जी कंप्यूटर जी बस इसको चेक कर रहे हैं आप लोग तब तक इसको आंसर देते जाइए ठीक और ब्राइटनेस एक बार चेक कर लीजिएगा कंप्यूटर जी जी नेक्स्ट वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे किस दिन मनाया जाता है सेवनटीन्थ अगस्त एटीन अगस्त नाइनटीन अगस्त या ट्वेंटी अगस्त तो वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन बिल्कुल तो ये सेलिब्रेट होता है कब 20 अगस्त को 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे सेलिब्रेट होता है ये किस लिए मनाया जाता है ताकि लोगों में मलेरिया के खिलाफ जो अवेयरनेस है उसको स्प्रेड किया जा सके साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस बार का थीम क्या है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस मलेरिया डिजीज बर्डन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड सीनियर सिटीजनशिप डे तो सीनियर सिटीजनशिप डे ये किस दिन मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस तो वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है आपका उसी दिन ठीक है तो ये होता है ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को आपका वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है ताकि आप जैसे बच्चों में ये अवेयरनेस आ सके अच्छा ब्राइटनेस भी कम है तो आप जैसे बच्चों में ये अवेयरनेस आ सके कि आप अपने एल्डरली को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करें बिल्कुल अभी मैं हम मैं बस कंप्यूटर जी हमारे समक्ष आ चुके हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ कि ब्राइटनेस बढ़ा दें हाँ जी बच्चे कह रहे हैं कि ब्राइटनेस कम आ रही है ठीक है ओके इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो इंटरनेशनल डे ऑफ और रिमेंब्रेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म ये किस दिन मनाते हैं तो टेररिज्म के खिलाफ क्योंकि आपको पता है कि लाइट लो है ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए वन सेकेंड गाइज ठीक है हाँ तो ये ट्वेंटी फर्स्ट को मनाया जाता है ट्वेंटी अगस्त को आपका यूनाइटेड नेशन रिमेम्बरेंस ऑफ द ट्रिब्यूट टू द विक्टिम ऑफ टेररिज्म तो जो लोग आतंकवाद से पीड़ित हैं आप याद रखेंगे कि 21 अगस्त को हम लोग उनको याद करने के लिए ये दिवस मनाते हैं फिर आप बताएंगे कि सेवनटीन प्रवासी दिवस बोर्ड तो दिख रहा है बस आप क्लियर नहीं दिख रही ओके okay. तो uh, 17th uh, 17th को प्र, भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हर साल जनवरी 2023 में मनाया जाता है आपको बताना है कि 2023 में इसको कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा सपना एक्सेलेंट आज आप लोग आंसर दे रहे हैं मुझे दिख भी रहा है लोप मुद्रा और शहदाब आंसर दे रहे हैं वेरी गुड परम आपको भी याद है एक्सेलेंट तो ये इंदौर है इंदौर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है इसको आप याद रखेंगे ओके okay. ठीक है इंदौर नेक्स्ट नेक्स्ट आप बताइए अच्छा नहीं गाई सीरियसली बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम है डिस्प्ले में तो आप बता दीजिए मैं उसको चेक करवा दूंगी हाँ तो ये इंदौर में सेलिब्रेट किया जाता है ये है भारतीय प्रवासी दिवस और 2023 में ये इंदौर में आएगा विन बैक्स Winbacks का मतलब क्या हुआ वी आई वी आई का मतलब हुआ आपका वी का मतलब वियतनाम और आई एन का मतलब हुआ इंडिया एंड uh, तो वी का मतलब हुआ वियतनाम और आई एन का मतलब हुआ इंडिया यस yes. तो विन बैग्स बी बी यानी कि अब तो ठीक है ना गई तुम लोग बहुत हम यही सोच रहे हैं ठीक है आई थिंक अब तो ठीक है नाउ इट इज फाइन आई थिंक अब आप चेक करिए। Yes, अब सही है ठीक है तो वी का मतलब वियतनाम आई एन का मतलब इंडिया वी का मतलब बाइलेटरल ए का मतलब आर्मी और एक्स का मतलब एक्सरसाइज तो विन बैग जो है ये हरियाणा में होगा बिल्कुल तो चंडी मंदिर हरियाणा में ये एक्सरसाइज होना है इसका थर्ड एडिशन होना है थीम क्या है इंप्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंजीनियर कंपनी एंड मेडिकल टीम अंडर यूनाइटेड नेशन कॉन्टिजेंट फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशन तो पीस कीपिंग के लिए इसको किया जा रहा है ठीक है पिच ब्लैक पिच ब्लैक एक मल्टीनेशनल मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे देश के जितना देश की जो मिलिट्री है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है पर ये वाला जो पिच ब्लैक है ये एयरफोर्स का है ठीक है तो पिच ब्लैक एयरफोर्स बहुत सारे एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आप बताएं कि ये किस कंट्री में होगा तो ये है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करता है जहाँ पर भारत का सुकोई 30 एम फाइटर एयर जेट यहाँ पे जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया है नेक्स्ट डब्ल्यू एस पी एस डब्ल्यू एस पी एस शूटिंग कप 2022 ये साउथ कोरिया में इसको होना है तो आप बताएं कि डब्ल्यू एस पी एस शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 साउथ कोरिया में यहां पर गोल्ड मेडल किसने जीता है। ये सब आप रिवाइज कर रहे हैं गोल्ड मेडल किसने जीता है तो ये आपको पता है कि राहुल झाकर ने जीता है। इसका आंसर मेंशन नहीं है तो मैं इसको क्लियर कर दूं ठीक है तो ये जीता है राहुल झाकर ने फाइन नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखिए हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी तो द्रौपदी मुर्मू आपको पता है कि हर एक मंत्री जो होते हैं उनको उनका सेक्रेटरी मिलता है ताकि उनको सारे दाव पे समझाए जा सके और जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट है असली सरकार तो आपको पता ही है परमानेंट सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेट सी होते हैं तो यहाँ पर इनको सेक्रेटरी कौन मिला है इनका नाम है अच्छा ये राहुल झाकर वाला आंसर आ गया तो ये राजेश वर्मा है इनके सेक्रेटरी हैं इसको आप याद रखेंगे तो राजेश वर्मा जी इनके सेक्रेटरी बने हैं ओके चले नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर सेक्रेटरी फॉर वन ईयर तो अभी फिर से रीअपॉइंट हुए हैं यानी कि इनका टर्म और बढ़ा दिया गया है तो इनका टर्म बढ़ा दिया गया है इनका नाम क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है तो ये है अजय कुमार भल्ला अजय कुमार भल्ला जी जो हैं ये यूनियन होम मिनिस्टर आप देख सकते हैं यहां पे इनका एक्सटेंशन कर दिया गया है इनके टाइम का नेक्स्ट नेक्स्ट है एक तो नेशनल सेमिनार हो रहा है सेमिनार इंट्रोस्पेक्शन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल तो ये जो नेशनल सेमिनार हो रहा है इंट्रोस्पेक्शन आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल तो आर्म फोर्सेस है यानी कि आपका क्या है मिलिट्री है. है ना तो स्थल स्थल शक्ति है स्थल बल है तो ये कौन करेगा मिलिट्री है तो डिफेंस मिनिस्टर करेंगे राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया यहाँ पे आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया नेक्स्ट एफ आई बी ए एफ़ आई बी एक्सलेंट आप लोग इतना फटाफट आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है देख के इसी स्पीड में आप लोग आंसर देते रहिए एफ़ आई बी एनि कि आपका जो बास्केटबॉल का पूरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगा तो ये है विमेन एशियन बास्केटबॉल चैम्पियनशिप इसको एफ आई बी ए कंडक्ट करा रही है जो कि पूरे फेडरेशन है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल एसोसिएशन तो यहाँ पर ये कहाँ होने वाला है ये पूछा जा रहा है भारत में होने वाला है कहाँ पर ये भारत में कहाँ होने वाला है तो इसका आंसर आपको यहां दिख रहा है बेंगलुरु में, हो में होने वाला है यह भी आपका रिविजन क्वेश्चन है आपने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है यह बेंगलुरु में होने वाला है बेंगलुरु कर्नाटका में नेक्स्ट क्वेश्चन विथ स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेटअप ग्रामीण आजीविका पार्क तो रूलर देखिए आज ही हम लोग अभी अभी पढ़े अभी हम लोग पढ़े कि रूलर इंडस्ट्रियल पार्क ये कौन सा स्टेटस को करने वाला है अच्छा गाइज आई एम लोगों ने अभी तक शायद सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए मैं भी आपके साथ ही सेशन को लाइक कर देती हूं आप लोग भी जल्दी से इसको लाइक कर पता okay. तो, है कितने बच्चों ने लाइक नहीं किया थ्री हंड्रेड स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक द सेशन नहीं पसंद आ रहा आपको सेशन आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि अच्छा ऐसा रोज रोज आराम से हम लोग बैठ के याद कर सकते हैं कि अभी अभी आपने सुबह में पढ़ा कि छत्तीसगढ़ है जो कि 300 पार्क बनाने की बात कर रहा है और मैडम ने क्वेश्चन पूछ लिया तो मुझे याद हो गया ओके okay. नेक्स्ट अच्छा एक साथ तीन स्टूडेंट लाइक कीजिए तो मुझे भी देखना है क्या कोई मैजिक होता है क्या एक साथ किसी वीडियो में तीन स्टूडेंट लाइक करके इतिहास बना सकते हैं ओके थैंक यू तो विच इज इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी टू ट्रैक सीड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े हैं क्या आपको याद है कि ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के तहत फार्मर्स यानी कि किसान के बीच में आपको अगर बीज डिस्ट्रीब्यूट करना है बिल आर्मी लवर यू आर एक्चुअली एक्सिलेंट सपना और ड्रीम चंगू मंगू एक्सेलेंट एक्सेलेंट, एक्सेलेंट क्वेश्चन आने के पहले आंसर आ रहा है तो ये झारखंड है बिल्कुल तो झारखंड में इसको अनाउंस किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर है झारखंड ठीक है इस बार एक आंसर बाद में मैडम सर मैडम सर एक ऑटोबायोग्राफी है ठीक है ऑटोबायोग्राफी यानी कि अपने बारे में ही ये किताब लिखी गई है तो अपने बारे में खुद एक किताब मैडम सर ये बायोग्राफी किसने लिखी है हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन हो लेकिन जब नए क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्चुअली खुश हो जाना चाहिए कि आज कुछ नया पढ़ने को मिला तो एक ऑटोबायोग्राफी है मैडम सर और ये मैडम सर जो ऑटोबायोग्राफी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैडम सर ऑटोबायोग्राफी किसकी है तो ये फर्स्ट फाइव पुलिस ऑफिसर इन इंडिया जाड़ूहर ठीक है मंजरी जाड़ूहर तो जो पांच फर्स्ट जैसे किरण बेदी आपको पता है पहली आईपीएस आईपीएस थी तो पांच पहली जो वुमेन आईपीएस पी उनमें से एक थी मंजरी जाडूहर और इनको जैसे नहीं बोलते मैडम सर वो वाली मूवी में आप लोग देखे होंगे कटरीना कैफ को सलमान खान बोलते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने ये लिखा है और ये फर्स्ट ऑफिसर है फ्रॉम द स्टेट ऑफ बिहार तो बिहार में 1976 में मंजरी जाडूहर पहली विमेन ऑफिसर पुलिस ऑफिसर बनी तो जो लोग भी बिहार के हैं तो उनको पता होना चाहिए ये बात है ना चले बदरू बैनर्जी बद्रू बैनर्जी इंडिया स्टार ओलंपिक फुटबॉल कैप्टन समर बदरू बैनर्जी आप बताएंगे कि ये जो स्टार ओलंपिक हमारे हैं फुटबॉल कैप्टन इनका निधन हो गया तो ये कौन से स्टेट के हैं कौन सी मूवी में अरे वो वाली मूवी नहीं थी एक थी एक मूवी उसी में बोलता है मैडम सर जो उसमें गाना है इश्क द चाशनी अच्छा मैडम सर सीरियल भी आता है ओके ठीक तो ये बदरू बद्रू बनर्जी कहाँ के हैं तो ये हैं वेस्ट बंगाल के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मैं देख रही हूँ सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं और आज मैं बहुत लोग का नाम भी लेने वाली हूँ क्योंकि आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं रुद्र हैं रुद्र राजपूत एकदम रेगुलर आंसर देते हैं चंदन कुमार सिंह जी वेरी गुड वेरी गुड तो ये है वेस्ट बंगाल के बदरुदा इनको कहते हैं यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हु प्रिजाइडेड ओवर तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन थे इसके अध्यक्ष जो ये महोत्सव हुआ यमुना पर आजादी का अमृत महोत्सव अब क्यों ये क्योंकि यमुना आपको पता है कि दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे गोमती नदी के किनारे है पटना बनारस ये सब आपका कहाँ पे है तो ये आपका आ, गंगा नदी के किनारे है अगर आप भी किसी ऐसे शहर में रहते हैं जो किसी नदी के किनारे है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस शहर में रहते हैं और कौन से नदी के किनारे हैं बिल्कुल तो यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं जो कि जल शक्ति मंत्री हैं और ये मना रहे हैं यमुना पार आज़ादी का आज़ादी का अमृत महोत्सव नेक्स्ट है आर आरटीपीसीआर किट बनाया गया है आपको पता है कि आरटीपीसीआर एक कॉमन नाम हो गया था अच्छा आप लोग गंगा नदी के किनारे हैं ठीक है दामोदर नदी के किनारे अच्छा आप झारखंड में रहते हैं ठीक है अच्छा आप बता चुके थे शायद आप क्या बोकारो में रहते हैं ना जब यहाँ ओके okay. तो ये आरटीपीसीआर कोविड के टाइम तो आपने सुना था काली नदी के किनारे हैं ओके okay. डाल्टनगंज कोयल नदी वेरी गुड वेरी गुड नवदीप नवाबदीप गंगा नदी के किनारे ठीक है जबलपुर नर्मदा नदी एक्सेलेंट झेलम के किनारे भी हैं तो पूरे इंडिया से लोग हैं और देखिए इंडिया में आप लोग इतने सारे नदी के किनारे हैं यस मंकी पॉक्स हाँ क्यों नहीं याद रहेगा मुझे याद रहता है अब जैसे महेंद्र सिंह झेलम के किनारे हैं ये मुझे याद रहेगा हाँ जी ठीक है ओके आप भी बोकारो साहब पढ़म ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि आर सिर्फ कोविड नाइनटीन के लिए नहीं है फाल्गु नदी अच्छा फाल्गु नदी में तो पानी नहीं होती फाल्गू का पुराना नाम निरंजना है उसी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी फाल्गु नदी में पानी नहीं होती है ना खोदने पे उसको थोड़ा गड्ढा करने पे पानी निकलता है तो ये मंकी पॉक्स के लिए ये आरटीपीसीआर है अब पढ़ पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी ठीक है शहीद भगत सिंह जी तो विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदल के रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट सूरत में तापी के किनारे ओके okay. चंबल नील वेरी गुड वेरी गुड वेंग गंगा ओके okay. वेंग गंगा गोदावरी के सहायक ठीक है स्वर्ण रेखा रांची एक्सेलेंट बिल्कुल मे, मैं कहां से हूं मेरी मेरी कड़म भूमि जो है वो यमुना नदी के किनारे है और मेरी जन्म भूमि जो है वो गंगा नदी के किनारे है ठीक है चलिए ठीक है नदियों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी ज्योग्राफी में बहुत पढ़ा है अब आप जल्दी से बताएं कि शहीद भगत सिंह ये हाँ तो चंडीगढ़ का जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मोहाली में मोहाली शहर में तो उसका नाम बदल दिया जाएगा और अब शहीद भगत सिंह जी पे उसका नाम हो जाएगा अब देखिए साउथ कोरिया साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में शुरू हो गया है लार्जेस्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इसको याद रखेंगे साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में ये आप देख सकते हैं ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जिनका नाम था अब्दुल गफार नाडिया वाला तो नाडिया वाला का नाडिया वाला का निधन हो गया है ठीक है ओके थर्ड सेंट्रल जोनल काउंसिल का मीट हुआ तो हर बार जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रिजाइडेड ओवर बाय अमित शाह तो यानी कि जोनल काउंसिल की जब काउंसिल की जब मीटिंग होती है ठीक है तो जोनल काउंसिल uh, की जब मीटिंग होती है तो ये हमेशा होम मिनिस्टर ही प्रजाइड करते हैं ठीक है ठीके? तो ये कौन प्रेजाइड करते हैं होम मिनिस्टर फाइन ओके फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सजीत शिवानंदन सजीत शिवानंदन ये डिज्नी हॉटस्टार के अब हेड हो गए हैं आप लोग भी देखते हैं कि आप लोग के पास भी कोई सब्सक्रिप्शन है डिज्नी हॉट स्टार नेटफ्लिक्स हम बताएं तो मेरे पास सब का अलग अलग फ्रेंड का आईडी है तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को डिज्नी हॉटस्टार दिया हुआ है किसी ने नेटफ्लिक्स किसी ने प्राइम तो है मेरे पास सब कुछ लेकिन अपना मेरा कोई नहीं है uh, मैंने एक पढ़ा था कि नेटफ्लिक्स को भारत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो बोला गया क्यों भारत में तो सबसे ज्यादा आपको इंस्टॉलेशन मिला तो सब ने कहा कि हाँ आई एक नहीं लिया था बाटा सबको था तो ये सब भी होता है अच्छा आप लोगों खुद का है बड़ी बात है बड़ी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट आप देख सकते हैं बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड अवॉर्ड एडूटेक दो हजार बाईस तो बी डब्ल्यू बिजनेस वर्ल्ड अवार्ड मिला है एडुटेक 2022 को इसको याद रखेंगे बहुत अच्छा बिजनेस चला है एडोटेक कंपनीज का नेक्स्ट कैस्टलर कैस्टलर ने यस yes, बैंक के साथ डिजिटली ग्रो करने के लिए कैस्टलर एक कंपनी है यस yes, बैंक के साथ इन्होंने यहाँ पर आ, वो कर लिया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अब देखिए अचानक से क्या इत्फाक है कि आपसे पूछा भी यही जा रहा है बोल रहे कितना जाओगे पैसे बचा के आपको चाहिए क्या अच्छा नदीम नदीम मेरे को कह रहे मैम आपको नेटफ्लिक्स चाहिए तो बता दीजिए मैं आपको दे दूंगा नेटफ्लिक्स अच्छा नहीं ने, नहीं अभी ठीक है अभी सब सही है अब देखें ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सोलूशन ने प्रोवाइड किया है कैसलर और इसने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ ताकि यहाँ पे कस्टमर्स को एकदम सब कुछ डिजिटल हो सके तो अभी आपने पढ़ा ये यस बैंक है फिर आप क्या बता सकते हैं कि जी ग्रुप ने ब्लॉकचेन फॉर एक्सलेंस निकाला है तो ये ब्लॉकचेन किस चीज के लिए निकाला है जीएमआर ग्रुप आप लोग uh, इंजीनियर है आप लोग को पता होगा कि जी ग्रुप जो है वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बोल रहा है कमेंट सेक्शन में दे दो दे दो कमेंट सेक्शन में नेटफ्लिक्स का आईडी पासवर्ड फिर पता चलेगा तुमको आज ही तुम्हारा नेटफ्लिक्स ब्लॉक हो जाएगा अब हो गया बस अब पढ़ाई करते हैं ठीक है तो जी एम आर जो है ये एयरपोर्ट्स के लिए जी एम आर एयरपोर्ट के लिए ब्लॉक चेन एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहा है नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो आपने पढ़ा भी ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड सेंटर का जोनल काउंसिल मीटिंग हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है भोपाल में हुआ है तो क्या बता सकते हैं कि इस मीटिंग के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं तो कौन होते हैं कौन हैं आपको पता है अभी अभी मैंने आपको बताया है तो जल्दी से बता दो गाइज़ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हाँ और जो लोग गलत आंसर दे रहे कोई बात नहीं लेकिन आप लोग फिर से सही आंसर को कमेंट कर दीजिए बिल्कुल अभी तो बताया हमने कि ये देखो जोनल काउंसिल है ना अगर आर्मी से रिलेटेड चीज होता तो राजनाथ सिंह होते हैं अभी तो यहाँ पे बताया आपको देखो मैं एकदम प्रूफ दूंगी अब जोन ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड सेंटर का जोनल काउंसिल और ये अमित शाह जी भोपाल में ये हुआ है अब यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भोपाल में ट्वेंटी थर्ड हुआ है तो ये अमित शाह जी होंगे ना होम मिनिस्टर ही जोनल काउंसिल को हेल्ड करता है ठीक है एक्सटर्नल अफेयर मंत्री एस जयशंकर जी ने स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी अनवील किया है यानी कि इसको फिर से बनाया मतलब वो किया है उसको अनवील किया इनोग्रेट किया है ठीक है तो आप बताइए कि जो अनावरण किया गया है ये किस कंट्री में गांधी जी का स्टैचू को अनवील किया गया है तो गांधी जी का स्टैचू ये बताया हुआ आपको कि पाराग्वे पाराग्वे साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और यहाँ पे गांधी जी का स्टैचू को अनवील किया गया है ये याद रखेंगे ठीक है Which यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च India's फर्स्ट India's फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस इन पुणे तो पुणे में अब ऐसा बस चलेगा जिसमें ना ही पेट्रोल ना ही डीजल ना ही कोई नेचुरल गैस लेकिन होगा वहां पे हाइड्रोजन से बना हुआ बैटरी और हाइड्रोजन के बने हुए बैटरी से ये बस चलेगा इसको इनॉग्रेट करने वाले हैं जितेंद्र सिंह जी ने इसको इनोग्रेट किया है कुछ कुछ मंत्रियों का नाम पता होना चाहिए ठीक है अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है थ्री हंड्रेड इंडस्ट्रियल पार्क तो कौन सा स्टेट है जो कह रहा है कि गांव वालों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ नौकरी खोजने के लिए तो गांव वालों हम आपके लिए बना रहे हैं 300 रुलर इंडस्ट्रियल पार्क और ये जो है हम किस स्टेट में बना रहे हैं तो ये स्टेट कौन सा है छत्तीसगढ़ है ठीक है छत्तीसगढ़ में ये बनेगा और अभी भी 200 पीपल हैव नॉट लाइक द सेशन तो 200 बच्चे जो हैं जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाक से लाइक कर दो एक साथ उस पे क्लिक करो वो थम्स अप वाले बटन पे ठीक है और फिर मुझे देखना है कि कुछ होता है क्या कि अगर अचानक से 200 लोग लाइक किए कुछ ऐसा मैजिक ठीक इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट तो भारत में सिचुएशनल ऑब्जर्वेटरी इसको किस स्टेट में अभी बताया बनाया जाएगा क्या ये उत्तर प्रदेश है गुजरात है ऑब्जर्वेशनल तो ये भी बताया हुआ था आपको कि ये उत्तराखंड में बनाया जाएगा ठीक है ओके उत्तराखंड में इसको बनाया जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बिल्ड कर रहा है भारत में पहला ऐसा टाउनशिप जो एजुकेशन कि एजुकेशन टाउनशिप है यानी कि यहाँ पर जिनको भी पढ़ना है बोला कुछ नहीं होता है एक साथ करने से अच्छा ठीक है ठीक है तो जिनको भी पढ़ना है वो इस डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं इस टाउनशिप में जा सकते हैं और ऐसा करने वाला कौन सा है बिल्कुल शहदाब है Uh, समर्थ आंसर बता रहे हैं शिप्रा बता रही है रश्मि ओके हरिओम चौबे जी वेरी गुड एक्सेलेंट एक्सेलेंट गाइस, तो ये है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने प्रेजेंट किया है टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स पॉइंट सिक्स वन करोड़ टैक्स फ्री बजट फॉर फिस्कल 2022-2023 तो ये जो फिस्कल ईयर है 2022-2023 का इन्होंने इतने करोड़ का टैक्स फ्री बजट बनाया है ये महान काम करने वाला जो हमारा यूनियन टेरिटरी है ये पोंडिचेरी पौंडीचेरी ने इसको किया है ठीक है विच यूरोपियन कंपनी हैज हैजंस्ड कंट्री हैजंस्ड दैट इट इट हैज एग्जिस्टेड द यूरोपियन यूनियंस इनहेंसमेंट सर्वेलेंस तो ये जो सर्विलेंस था यूरोपियन यूनियन का ये कंट्री इससे बाहर निकल गया है इसको पढ़ेंगे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है अभी बस आप सुनिए मेरा बात धीरे धीरे याद कराना मेरा काम है आपका काम बस है आठ से नौ मेरे साथ इस चैनल पे बने रहना ठीक है अब देखिए आई ई डी ए ठीक है आई आर ई डी ए और महाप्रीत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए तो ग्रीन एनर्जी को ये दोनों कंपनी मिलकर बढ़ावा देंगे देखेंगे क्या बात है उड़ीसा के साइंटिस्ट है देवशीष मोहंती इनको बनाया गया है एन आई आई का डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इम्यूनोलॉजी का यहाँ पे यानी कि इम्यूनिटी के बारे में ये होगा तो इसके डायरेक्टर बनाए गए हैं विक्रम दोड़ासाई, दौराई स्वामी विक्रम दौराई स्वामी जी ये भारत के हैं जिनको हाई कमिश्नर बनाया गया कहाँ का यूके का हाई कमिश्नर बनाया गया ठीक है एचपीसीएल स्टार्ट इट्स फर्स्ट डंक बेस्ड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस तो ये जो बायोगैस प्लांट है इसमें डंक को डाल के हम लोग एनर्जी का उत्पादन करेंगे राजेश वर्मा जी बन गए हैं अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राजेश वर्मा जी हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के, के ये बन गए हैं सेक्रेटरी ठीक है और भार और इंडियन नेवी ने टेस्ट फायर किया आप जानते हैं चांदीपुर उड़ीसा में वी एल एस आर एस एम ठीक है और डिफेंस मिनिस्टर होल्ड मीटिंग्स इन इनताशक तो ताशकंद आपको पता है कि यहां उज्बेकिस्तान का कैपिटल है ताशकंद में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ पे मीटिंग करने वाले हैं ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है कि एन है ना पहली क्लास है सबसे पहले देखना ज़रूरी होगा ना मैम नहीं नहीं आज से भी शुरू कीजिएगा तो हम आपको रिवाइज़ करा देंगे जो भी आज से क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं टेंशन मत लीजिए हम ये नहीं बोलेंगे कि नहीं अब जाके पुराने वीडियोस देखिए नहीं हम यहाँ पे ही आपको पता है कि किसी किसी दिन हर वीक में एक दिन तो हो ही जाता है कि हम आपको जनवरी से लेके अभी तक का करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देते हैं तो हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन जब से आपने स्टार्ट किया है कम से कम आज से भी स्टार्ट किया है तो आप मेरे साथ एग्जाम तक रेगुलर रहिएगा करंट

तो द्रौपदी मुर्मू के जो सेक्रेटरी बने हैं उनका नाम क्या है हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ओके okay. तो इनके जो बन गया है सेक्रेटरी इनका नाम है राजेश वर्मा राजेश वर्मा इनके सेक्रेटरी बन गए हैं ओके 17 साल की रेसलर सेवनटीन साल के रेसलर अंतिम पंगल इनको गोल्ड मेडल मिला है ठीक है तो ये विमेन 53 कैटेगरी में इनको गोल्ड मेडल मिला है क्या आप बता सकते हैं कि ये जो चैंपियनशिप हुआ है वर्ल्ड अंडर 20 का ये कहाँ पे हुआ है मेरा हेयर स्टाइल हेयर स्टाइल भी देखोगे यार इतना हम ध्यान नहीं देते हैं ठीक है आप लोग भी अगर पढ़ाई करते हैं तो फालतू चीज पर ध्यान मत दिया कीजिए हाँ. तो ओल्ड साल की ये है अंतिम पंगल अब देखिए गोल्ड मेडल जीती है ठीक है कि नहीं क्या ही मतलब तो इनको गोल्ड मेडल मिला है फिफ्टी थ्री कैटेगरी में ये जो चैंपियनशिप हुआ है ये सोफिया बुल्गेरिया में हुआ है ठीक है बुल्गेरिया में ये हुआ है क्लियर नेक्स्ट इंडिया हैज बैक्ड हाउ मेनी मेडल्स भारत को कितने मेडल मिले थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में ठीक है तो इंडिया को कितने मेडल मिले हैं इंडिया को टोटल मेडल्स कितने मिले सत्रह मेडल मिले ठीक है सत्रह मेडल इसमें मिले हैं इसको ध्यान रखिएगा हाँ कल मेरी वो क्लास नहीं हुई आई एम रियली सॉरी लेकिन बारह बजे आपको मिल जाएगा हेयर स्टाइल बेकार है हम ध्यान दिए हम इतना ध्यान भी नहीं देते ठीक है हम सुबह में जॉगिंग करते हुए आते हैं यहाँ पे ऑफिस और फिर बस बाल को ऐसे ही किसी भी तरह बांध लेते हैं आप लोग भी इतना ध्यान मत दीजिए एग्जाम निकल जाएगा ना देखिए अगर आप विराट कोहली का पुराना फोटो देखेगा तो आपको लगे हे भगवान कितना गरीब फालतू सा लड़का है अब नया फोटो देखिए तो यू आर नॉट अगली यू आर जस्ट पुअर तो जैसे ही आप लोग के पास जॉब आएगा पैसा आएगा रॉब आएगा तो जॉब है तो रॉब है आपका पूरा का पूरा मेक ही बदल जाएगा और नहीं भी बदलिएगा ना तो भी देखने वाले के नज़रिए में आप बड़े सुंदर रहेंगे कि अरे वाह देखो इसको तो इतना बिजी लड़का है इतना इतना मेहनत करता है पढ़ने टाइम भी ऐसा था कि बाल झाड़ने का भी फुर्सत नहीं है इसको ऐसे ही बोला जाएगा तो इसीलिए आप लोग बस अपने मेन काम पे ध्यान दीजिए ठीक है चले इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बर ऑफ स्लेव ट्रेड तो जिन लोगों का स्लेव ट्रेडिंग होता था तस्करी होता था तो इसके लिए ये दिवस कौन सा है तेईस अगस्त को यह किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट अब्दुल गफार नाडियावाला जी का निधन हो गया है क्या आप बता सकते हैं कि अब्दुल गफार नाडियावाला ये इनका जो निधन हो गया ये क्या थे हम लोग पढ़े हैं बहुत सारे स्टूडेंट अभी मेरे साथ इसको जाने हैं तो ये तो पटाक से बता देंगे कि ये कौन थे ये थे आपके फिल्म मेकर बोल लीजिए या प्रोड्यूसर बोल लीजिए नाडियावाला जी फिल्म मेकर थे ठीक है अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक पोर्टल बनाया गया है ये हम दो तीन दिन से चिल्ला रहे हैं अब ध्यान दीजिए अब ये गलत नहीं बताइएगा तो एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है जिसमें पोर्टल मानने कि ये जो वेबसाइट होता है ना तो जिसमें क्या किया जाएगा ब्रिंग टूगेदर ऑल एवॉर्ड्स जितने भी अवार्ड सरकार देती है लोगों को वो सब अवार्ड एक ही पोर्टल पर बताया जाएगा वो पोर्टल का नाम क्या है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल तो सिटीजन्स uh, को फेलिसिटेट करने के लिए या फिर टू नॉमिनेट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन तो ये है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ठीक अगला सवाल कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल दर्शन जार दोष ठीक है तो जार दोष इन्होंने इनोग्रेट किया है यानी कि उद्घाटन किया है सिल्क मार्क एक्सपो का तो ये जो सिल्क है ये कहाँ पे मिलता है मतलब ये जो मार्क एक्सपो है इसका उद्घाटन दिल्ली में किया गया है तो अब दिल, दिल्ली में सिल्क यानी कि जो हमारा टेक्सटाइल है उस पर काम किया जाएगा और इसको आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एक अपना साइन कर लिया किस कंट्री के साथ कि, किस लिए ताकि सी फेरर सी फेरर क्या होता है जो फेरी चलता है ना जो एक जगह से दूसरी जगह हम लोग जाते हैं जब अगर आप कलकत्ता जाएंगे तो कलकत्ता में भी वो हुगली नदी के किनारे हम लोग कालीघाट जाने के लिए ऐसे सी फेरर लेते हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पे ये हमने किया है किसके साथ ईरान के साथ तो सी के थ्रू हम लोग जा सके आ सके तो इसीलिए ये ईरान के साथ किया गया है ईरान का कैपिटल क्या है तेहरान है करेंसी क्या है रियाल है प्रेसिडेंट का नाम है इब्राहिम रायसी ठीक है चले अब देखिए अभी आपने पढ़ा है कि थाउजेंड एन, ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज तो ये जो थाउजेंड ग्रीन एनर्जी एंटरप्राइज है ये विच कंपनी ने कौन से कंपनी ने सिडबी के साथ पार्टनरशिप किया है सिडबी के साथ पार्टनरशिप करने वाला कंट्री है टीबी रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड तो ये सिडबी आपको ये सब नहीं याद रखना है आपको याद रखना है कि सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसको 2 अप्रैल 1990 में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और एम डी एन चेयरमैन है शिव एस रमन ठीक है प्रधानमंत्री जी ने इनाग्रेट किया है होमी भावा कैंसर हॉस्पिटल होमी भावा कैंसर हॉस्पिटल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनोग्रेट किया है और ये एक रिसर्च सेंटर है आप बताइए कि ये जो कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है ठीक है ये इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है क्या तभी तो डिफेंस का हाँ ठीक है ठीक है इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है ये आप जल्दी से बता देंगे तो ये अभी-अभी आपने पढ़ा है इसको तो ये कैंसर हॉस्पिटल ये मोहाली में इसको किया गया है ठीक है मोहाली में दो चीज मोदी जी ने इनॉग्रेट किया अमृत अमृत हॉस्पिटल फरीदाबाद हरियाणा में और मोहाली में होमी भावा कैंसर हॉस्पिटल इसको इनॉग्रेट किया गया ठीक है चले नेक्स्ट अब देखिए ये तो पढ़ें आप अभी कि आईआरडीईए ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया रिनिएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए तो रिनिएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जो आईआरडीई -E ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वो आप बताइए कि ये साइन जो हमने किया है किस कंपनी के साथ साइन किया है यस yes. तो ये साइन हमने किया है महाप्रीत के साथ ये पढ़ चुके अभी महाप्रीत बिल्कुल महाप्रीत के साथ इसको साइन किया महाप्रीत का फुल फॉर्म होता है महात्मा फुल्ले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी महात्मा फुल्ले जो हैं उन्होंने किताब लिखी थी गुलामगिरी ये आपको याद होना चाहिए ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड असम मणिपुर और त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ऑयल पाम ऑयल पाम का प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो ऑयल पाम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर किस कंट्री के किस कंपनी के साथ साइन किया है तो ये कंपनी है गोदरेज गेज कह रहा है असम मणिपुर और त्रिपुरा को कि चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे कि ऑयल पाम के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे क्योंकि ऑयल पाम जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है दुनिया भर में ठीक है यूनेस्को इनटेंजिबल इनटेंजिबल का मतलब समझिएगा जैसे कि मैं गाना गा रही हूँ तो क्या आप मेरे कला को गाने को टच कर सकते हैं या कोई डांस कर रहा है है ना कोई चित तो ये सब क्या है इनटेंजिबल है अब मान लीजिए कोई फोटो तो फोटो को आप टच कर सकते हैं कोई इमारत है उसको आप टच कर सकते हैं तो वो टेंजिबल है तो इनटेंजिबल के लिए अभी एक डांस को बनाया गया है कि ये यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर कल्चरल हेरिटेज में इसको डाला गया है ये डांस है गरबा गरबा गुजरात में करते हैं ना गरबा खेलते हैं ठीक है ठीके? वो आ, क्या नाम है जेठालाल की वाइफ खेलती हैं गरबा ठीक है तो ये गरबा खेलते हैं और इसको इनटैंजिबल डाला गया है इसके पहले 2021 में दुर्गा पूजा को डाला गया था इनटैंजिबल साइट में ठीक है अडानी ग्रुप टारगेट अडानी ग्रुप ने आपको पता है कि 55.18 परसेंट स्टेक एनडीटीवी का ले लिया है तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि एनडीटीवी जिसका फुल फॉर्म है न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड तो अडानी ने इसका किस ग्रुप ने ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू परसेंट एक्वायर किया है तो अभी धीरे धीरे करके ये एक्वायर कर रहे हैं तो ये है अडानी ग्रुप जिसने इसको एक्वायर किया है अब ये टोटल फिफ्टी स्टेक हो गया है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है कि भारत का क्या रैंक है 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एंड एस्ट्रोफिजिक्स तो एक ओलंपियाड हुआ है हाँ आज बिल्कुल इंजीनियरिंग की पेड क्लास है नौ बजे सुबह में ठीक है तो ये ओलंपियाड में भारत का रैंक थर्ड है तीसरे रैंक पे भारत है अभी आप लोग चिंता मत कीजिए जो भी लग रहा है कि मैम ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो फर्स्ट टाइम आपको आज मैं थोड़ा जानबूझ के बता रही हूँ क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा और कल परसों जब हम यही चीज़ पूछेंगे आपसे तो आपको याद रहेगा ठीक है तो आर अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क रिसेंटली तो ये एग्रीगेटर फ्रेमवर्क सेबी है इसके साथ ठीक है तो सेबी एग्रीगेटर फ्रेमवर्क डिज़ाइन करता है और सेबी का फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था 1988 में बना था लेकिन से भी जिस एक्ट से बना वो एक्ट 1992 में आया था हेड क्वार्टर मुंबई में है और महा इनका नाम याद रखेंगे मधाबी पुरी बूच इसकी चेयरमैन है सेबी सेटअप किस कमेटी द्वारा किया गया था तो उदय कोटक कमेटी के रिकमेंडेशन पे सेबी सेटअप किया गया था ठीक है सी एफ ओ चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ क्रेडिट स्वीज़ तो क्रेडिट स्वीज़ के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इनका नाम है दीक्षित जोशी दीक्षित जोशी नेक्स्ट नेक्स्ट है कि uh, एक एंट्रीम प्राइम मिनिस्टर बने हैं यानी कि कुछ टाइम के लिए इनका नाम है कर्नल अब्दुल मैगा तो ये जो है अच्छा गुलाबे दिल के साथ गुड मॉर्निंग थैंक यू तो ये माली के बने एंट्रीम का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए अभी ये है नहीं अच्छा ये तो अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि विक्रम दोराई स्वामी ये नेक्स्ट हाई कमिशन बने कमिश्नर बने आपको बताना है कि दोराई स्वामी आ, स्वामी जो हैं वो हाई कमिश्नर बने हैं भारत भारत से किस कंट्री के लिए तो ये हाई कमिश्नर बने हैं भारत से यूके के लिए ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी अभी यूके के लिए बने हैं नेक्स्ट कौन सा आई यानी कि कौन सा शिप है जो कि पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कॉम्पोजिट इंडोर शूटिंग रेंज और इसमें इनोग्रेट किया गया है ठीक है तो सी आई एस आर यानी कि कॉम्पोजिट इंडोर इंडोर शूटिंग रेंज इसमें इनोग्रेट किया गया है शिप का नाम है आई एन एस कंड ठीक है आई एन एस कंड इसका नाम है ठीक है नेक्स्ट अब देखिए ये जो क्वेश्चन है फमीदा आजमी फमीदा आजमी ये कहाँ की हैं क्योंकि ये इन साइडर ऑनलाइन मैगजीन ऑफ द यू एस में इनको पुलिटर प्राइज पुलिटर प्राइज आर्किटेक्ट के लिए मिलता है ठीक तो है, है तो फमीदा आजम आज़म जो हैं ये कहाँ से हैं तो फमीदा आजम ये बांग्लादेश की हैं और इनको पुलिटर प्राइज मिला है ठीक है ओके अब एक इंटर नॉट दिवस मनाया जाता है तो भले आपको नहीं पता हम, हम आपको ये बताना चाहते है, ये क्या है तो वो पर्सन थोरो नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज़ इंटरनेट तो इंटरनेट के बारे में और उसके इतिहास के बारे में मेरे घर में जितना छोटा छोटा बच्चा है ना मेरा कज़न वगैरह उन लोगों को बड़ा पता होता है तो हम पूछते हैं एक सिक्स में तो उस जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होता है सिस्टम वगैरह में तो उसी से पूछते हैं वही मेरे घर का जो भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर तो उसको अब हम बोलेंगे इंटरनोट ठीक है और ट्वेंटी थर्ड ऑगस्ट को यह मनाया जाता है अब एक फटाक से रैपिड फायर कर लेते हैं ठीक है तो इसमें दस क्वेश्चन है बस आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल किस कंट्री में होता है आईसीसी बेटा पीडीएफ आपको ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा ठीक है और जो सौ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया यार लाइक कर दो यार क्या होता है फ्री का है लाइक कर दी जगम फटाक से ठोको वो लाइक बटन तुरंत से हाँ रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये क्लास मत बंद कीजिए फ्यूचर में नहीं नहीं चिंता मत कीजिए जब तक है जान ठीक है हाँ आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपका ये दो क्लास जो चलता है मेरा एक करंट अफेयर्स का और एक बारह बजे जीके का वो बंद नहीं होगा आज वो जीके का क्लास एक्चुअली आर के सर आए हुए हैं आपको पता है रजत सर आए हुए हैं आर के सर आए हुए हैं वो लोग जनरली अपने स्टूडियो से लेते हैं क्लास लेकिन ऑफिस आए है हुए हैं तो हमने सोचा कि आप लोग लिए एक फन सेशन करेंगे कर आज हम लोग बारह बजे का टाइम था हमारे पास तो एक दंगल होगा ठीक है तो बहुत स्ट्रॉन्ग दंगल होगा आप बताइएगा कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आर के सर को या मुझे और हम लोग एक दूसरे से एकदम वो ब्रह्मास्त्र अपना अपना छोड़ेंगे एक दूसरे पे और बताएंगे कौन सा क्वेश्चन किसको आता है किसको नहीं आता है ठीक है बेटा बस आज नहीं है बारह बजे वाले क्लास बाकी कल से तो आपको मिल ही जाएगा तो बारह बजे आइएगा ठीक है हाँ तो ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ने मतलब इंडियन टीम ने जीता है अंडर ट्वेंटी हमेशा अंडर नाइनटीन हमेशा भारत ही जीतता है लता मंगेशकर जी का निधन हो गया लता मंगेशकर जी का असली नाम क्या है अच्छा आप मुझे सपोर्ट करेंगे सीरियसली बहुत बड़ी बात है कि आर के सर के सामने आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं हाँ मुझदाब मुझे पता है यू आर ऑलवेज विद आर के सर ओके ठीक है देखो मुझे याद है कि तुम दामोदर नदी के किनारे बोकारो में रहते हो और तुम सपोर्ट आर के सर को करो ठीक है तो ये आप देखिए लेकिन देखो वो ऐसे हंसी मजाक वाला सेशन नहीं है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी के क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पहने डाले हैं तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है ओके तो ये हेमा मंगेशकर जी हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी मोदी जी ने देश को दिया है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पे है बिल्कुल 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 तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है ये हैदराबाद में है और ये श्री रामानुजन चार्य द्वारा बनाया गया है देखिए यहाँ पे कंप्यूटर जी भी आपसे पूछ रहे हैं आर यू एक्साइटेड फॉर द दंगल गाइज तो दंगल जो है आज हम करने वाले हैं क्या आप लोग एक्साइटेड हैं स्वराजेबिलिटी ये कौन सा आई ने शुरू किया है ये आई हैदराबाद है नेक्स्ट अथर्व ओरिजिन अथर्व ओरिजिन ये एक मैस्कॉट uh, बनाया गया तो आपको बताने है, ये मैस्कॉट एक सुपर हीरो अथर द ओरिजिन सुपर हीरो मैस्कॉट ये धोनी का बनाया गया ठीक है धोनी का अथर मैस्कॉट नेक्स्ट फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू बॉर्डर हार्ट तो हम बॉर्डर पे हार्ट बनाते हैं ताकि जो गरीब गरीब लोग होते हैं वो अपने कले कला को वहां पे प्रदर्शन कर सके और आप बताइए कि जो बॉर्डर हार्ट हम बनाते हैं ये कहाँ पे किस कंट्री के साथ है तो ये है आपका कहाँ पे किस कंट्री के साथ ये बांग्लादेश के साथ है ठीक है बांग्लादेश के साथ नेक्स्ट 2022 विंटर ओलंपिक्स ये बीजिंग में हुआ आपको बताना है कि क्या स्लोगन था यहाँ पे स्लोगन क्या था इस विंटर ओलंपिक्स का जो बीजिंग में हुआ टुगेदर तो फॉर बीजिंग चाइना में हुआ अब चाइना हमारे साथ क्या क्या शेयर करना चाहता है खतरनाक है लेकिन खैर ये यहीं पे हुआ ओके नेक्स्ट पूछा जा रहा आर यू रेडी फॉर दंगल बारह बजे आर के सरन कीर्ति मैम अच्छा ये भी बताना सपोर्ट किसको करो नहीं ये क्वेश्चन मैं तब पूछूंगी जब आर के आर्स रहेंगे वरना पता चला कि बोलेंगे कि मैं बायस रही हूँ है ना अच्छा आप लोग एक्साइटेड हैं ठीक है नेक्स्ट आप बताएं कि भारत से जो इकलौते एथलीट थे जो स्केइंग करते हैं वो यहाँ पे रहेंगे और उनका नाम क्या है तो इनका नाम है क्या इनका नाम है आरीफ खान आरिफ खान यहाँ पे इनका नाम है ठीक है नेक्स्ट बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन सी एक्ट्रेस बनी है अभी रिसेंटली मैंने देखा था हाँ ओके okay. देखते हैं सबको आ जाना बारह बजे अच्छा रजत सर के साथ भी बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा तो आप बहुत सारे रजत सर के भी सपोर्टर हैं वो भी आएंगे तो आप लोग प्लीज आ जाइएगा चैनल पे बारह बजे टाइम निकाल के और कल से फिर आपका ज्योग्राफी का क्लास रहेगा ठीक है तो ब्रांड एम्बेसडर ये बनी है दिशा पटानी इनका भी हम रिसेंटली वो विलन टू में एक्टिंग देखे थे हम खतरनाक लग रही थी तुम वेन्यू ऑफ नेहरू ट्रॉफी बोट रेस तो बोट रेस हुआ है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इसका नाम है इसका वेन्यू क्या है इसका वेन्यू है आपका यूएई ठीक है और गाइज आपको पता है कि इस सेशन के बाद अभी क्या होने वाला है तो नाइन इंजीनियर्स पे नौ बजे रीजनिंग की क्लास है प्लीज़ आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जितने लोग सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं जिनको एस एस सी निकालना है उनका दस बजे रजत सर का सिविल का क्लास है ठीक है साथ ही साथ आप इसी तरह से एकदम आराम से चिल्ड वे में लेकिन हंड्रेड सक्सेस के गारंटी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे बैचेज में इनरोल कर सकते हैं एकदम प्रो लेवल में हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं कभी कभी ज़्यादा भी पढ़ाई करते हैं कभी कभी बहुत सारा रिवीजन भी करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप जल्दी से बैचेस में इनरोल हो जाए इलेक्ट्रिकल और सिविल uh, जो भी आपने डिप्लोमा या बी किया है आपको एस एस का एग्जाम देना ही है तो आप इन बैचेस में आ सकते हैं ये एक प्यारा सा बैच है हमारा नॉन टेक का तो जिनको लगता है कि भाई मेरा टेक्निकल पूरा कंप्लीट हो गया है मुझे सिर्फ नॉन टेक पढ़ना है तो ये आप नॉन टेक बैचेस में भी आ सकते हैं अगर आपको लगता है कि मैम डीआरडीओ आ चुका है आरआरबी कभी भी आ सकता है तो अगर आपको लगता है कि बाकी एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं अदर देन एसएससी तो एस के साथ साथ बाकी एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए आपको महापैक देखो महापैक ना अब ऐसा चीज़ हो गया है आपको पता है कि दिस चैनल इज़ द बेस्ट फॉर योर एस एस और बाकी जितने ए जे एग्जाम्स के लिए तो आपके पास इंजीनियर अड्डा का एक महापैक होना चाहिए सिविल आपने किया है तो ये इलेक्ट्रिकल किया है ये मेकनिकल किया है तो ये राइट right? और साथ ही साथ अगर आप अग्निवीर के स्टूडेंट्स हैं अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपके पैक्स हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी की और अगर आप अग्निवीर महापैक में जाना चाहते हैं तो बेस्ट आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा तो ये महापैक का कोर्स है ठीक है अदर देन दिस अगर आप एफ के एट सी डी एस सी ए पी एफ असम राइफल बी एस एफ और बाकी सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डिफेंस का महापैक ले सकते हैं हर के लिए आपके पास मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड कौन सा है तो कोड आपको पता है कि अगर आप कोई कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो आपको पे मिलेगा 78% का ये मैक्सिमम डिस्काउंट है और अगर आप टेस्ट सिर्फ तो हैं सिर्फ तो Y332 एस यूज कीजिएगा जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि आपको सीधे गूगल में आना है यहाँ पे अड्डा ट्वेंटी फोर में जाना है इस पे क्लिक करना है ऑल कोर्सेज में जाना है अब जैसे आपने आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ठीक है फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एस एस पे क्लिक करना है तो एस एस पे क्लिक करना है फिर जैसे आपने सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोई भी बैचेज में आपको जाना है जैसे ये सिविल का बैच है जो कि स्टार्ट होने वाला है आज से तो सिविल का एक नया बैच आज से स्टार्ट होने वाला है अब आपको क्या करना है यहाँ पे कोड लगाना है वाई एक सेकेंड वाई थ्री थ्री टू वाई थ्री थ्री टू और ये आज से ये बैच स्टार्ट है ठीक है तो जैसे सिविल में मैंने ये वाई तीन सौ बत्तीस कोड लगा के एक पूरा ऐसा पैक ले लिया जहाँ पे मुझे एस एस सी जेई के लिए पूरा सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक पोर्शन पढ़ाया जाएगा उसी तरह से आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का भी ले सकते हैं सो so, गाइज अब हम लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं मेरा नाम के आर आई टी आई नहीं है कीर्ति है ठीक है कृति नहीं है कृति सनॉन अलग हैं। आई एम कीर्ति पांडे ओके तो ऑल द बेस्ट गाइज और हम लोग जल्दी से मिलते हैं आज बारह बजे देखते हैं क्या होने वाला है फंड सेशन में कौन किसको धोबी पचार देगा देखेंगे हम लोग आप लोग अपने सपोर्ट के साथ अपने वोटों के साथ अपने वैल्यूएबल वोटों के साथ आ जाइएगा थैंक यू